हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम टनाटन हूँ। तो आज है संडे और घूमने जा रहे हैं कहीं पे। एक फ्रेंड आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। कुछ प्लान नहीं किया है तो दिखाते हैं आप लोग को आगे। कौन सा साइड जाना है? इस साइड जाएंगे भीड़ मिलेगा, सिटी एरिया है, और इस साइड जाएंगे तो नेचुरल गांव, और उस साइड जाएंगे तो नेचुरल सब आएगा। चल इधर ही जाते, ठीक है? चल जाने दे, पादरा साइड जाते, जाने दे, जाने दे।
अभी हम आए हैं यहाँ पे तुलजा भवानी रानू मंदिर, जहाँ माँ तुलजा भवानी का प्रागट्य था। और आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिरों की लाइन लगी है। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। क्या लग रहा है दकी, अभी क्या फील हो रहा है? फील मजा तो आ रहा है, पर यारिया वाली गैंग को मिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, देख दिखाता हूँ, देखो पूरी की पूरी यारिया यहाँ पे है, दिखाता हूँ देखो। पूरी अपनी यारिया गैंग यहाँ पे पीछे घूम रही है, शायद ये लोग हमारे से पहले ही आ गए थे शायद। दोस्तों ये था तुलजा भवानी माता का मंदिर, और यहाँ पे हम लोग आना चाहते हैं अगर बड़ोड़ा से, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर जैसा होता है, और बड़ोड़ा से हमें पादरा आना पड़ता है, और पादरा से होके हम लोग रनू पहुँच सकते हैं, और पादरा से रनू लगभग 10 से 11 किलोमीटर तक पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है नवरात्रे के टाइम, और काफ़ी आस्था है ये मंदिर में। और यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे को टाइम नहीं पता है, पर यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला भी लगता है, और काफ़ी कुछ होता है उस टाइम पे। छोटा सा गांव में छोटा सा मंदिर है, पर काफ़ी आस्था है, और दूर दूर से यहाँ पे लोग मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, हवन चलता है। मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे आया था, 5-6 साल पहले आया था, आज उसके बाद काफ़ी टाइम बाद इधर आया हूँ मैं, और मज़ा आया यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए। नेचुरल यहाँ पर सब सही से है, और यहाँ पर एक अच्छा एटमोसफियर होता है। जो सिटी में लोग रहते हैं उन लोग को यहाँ पे ऐसा गांव साइड आना चाहिए, मज़ा आता है। संडे होता है, रिलैक्स हो जाते हो, और एक प्रेयर हो जाता है माता जी का, मज़ा आता है, फ़ोटो क्लिक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ जाते हैं, हमने भी क्लिक किए हैं थोड़े बहुत। क्या बोलता है दक्की, कितने फ़ोटो क्लिक किए तूने? हम लोगों ने करीब 25-30 फ़ोटो खींचे होंगे आज। यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि जो हम लास्ट टाइम जो हम तीनों साथ आए थे, मैं, दक्की और एक फ्रेंड है टाइगर, हम तीनों साथ में आए थे, तो उसको कॉल लगाते, वीडियो कॉल लगाते, देखते संडे है वैसे तो रिसीव कर ही लेगी। दक्की लगा उसको फोन, लगा वीडियो कॉल किया फाइनली पब्लिक सो रही है इधर पब्लिक सो रही है।
कितने बज रहे पता नहीं, लोग आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं फिर ज्यादा सोते रहते हैं, आलसी हो जाते उधर जाके। ब्लूटूथ में वॉइस आ रहा है क्या? हम दोनों पहुंच गए हैं मंदिर में। रनू और अभी आपको व्लॉग में लाइव दिखाया जा रहा है, बताओ कैसा लग रहा है सुबह सुबह में उठ के? हम लोग वही सोच रहे थे इसलिए देखो डायरेक्ट कॉल किया, हमने सोचा वीडियो कॉल करते हैं, हम तीनों आए थे लास्ट टाइम 5-6 साल पहले। दक्की तो क्या आता रहता है, हम लोग अभी ज्यादा नहीं आ पाते हैं, तू तो मतलब अभी इंडिया के बाहर चली गई है यानी अभी बोल नहीं सकते कुछ। सही है सब, खाना वाना मिलता है उधर सही से? चल दक्की तो फाइनली भी प्रस्थान करते हैं यहाँ से, कहाँ निकलना है? चल अभी दर्शन वर्शन हो गए, 2 बज गए, भूख लगी है, पेट पूजा करने जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं। वो बात सही है, पर क्या खाएगे अभी? सेव सर खाने जाते हैं अपना वाला अड्डा। और दोस्तों यहाँ पे बड़ोड़ा में आधी पब्लिक 50% पॉपुलेशन दोपहर में सेवसड़ खा लेती है, तो वही जाते हैं सेवसड़ खाने के लिए, मजा आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं सेवसड़ खाने के लिए और 2 सेवसड़ ऑर्डर किए हैं। एक बंदा आ रहा था यहाँ पे अभी और वो बोल रहा है अभी हर बार वो बना ही जाता है कि मैं आ रहा हूँ करके आता ही नहीं।
कैसा रहा? फुल पेट, पेट फुल। दोस्तों यहाँ पे इंडिया 3-0 से जीत चुका है न्यूजीलैंड के सामने T20 सीरीज में। सोच रहा हूँ मैं कि ये वीडियो में एक गिव अवे रखता हूँ और ये वीडियो जब अपलोड होगा वहाँ से 7 दिन तक वो गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो करंट वीडियो चल रहा है आपका अभी जो देख रहे हो वीडियो, उसको आपको लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है। तो ये 4 चीज़ें फुलफिल होती है उन लोग को गिव अवे में दूंगा। पर यस, गिव अवे में और एक चीज़ है कि सब्सक्राइबर काउंट कितना है उसके ऊपर से मैं गिव अवे दूंगा। 0 से 100 के बीच में है तो 1 गिव अवे, 100 से 200 के बीच में है तो 2 गिव अवे, 200 से 300 के बीच में है तो 3 गिव अवे। मतलब ऐसे ही आप समझ गए वैसे गिव अवे, अगर 500 है तो 5, 1000 है तो 10, उस हिसाब से गिव अवे रहेगा। तो दोस्तों आप ये मौका उठा सकते हो क्योंकि ऑब्वियस थिंग है, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा यूट्यूब में, कैसा चलेगा ये वीडियो। पर नया वीडियो है, नया चैनल है, फर्स्ट वीडियो है तो उतना शायद व्यूज़ मेरे को नहीं लग रहा आएगा, तो कम लोग हो गए, कंपटीशन भी कम है तो आप गिव अवे में जीत सकते हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको अच्छी सी चीज़ मिलेगी और दूसरी चीज़ आप यूज़ कर पाओगे वैसी चीज़ मिलेगी। ये व्लॉग यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ और आपको हर वीक एक नया वीडियो मिलता रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरा भी उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।